ज्ञान तिम्रान दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, स्वागत है आपका सत्संग समारोह में। श्रीमद् भागवत गीता का सत्संग है, ये प्रभु से मिलाने की विद्या है, राज विद्या है। राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हो रहा है, होता रहेगा। जो जो प्यासे हैं वो इस सागर के नजदीक आते जाएंगे और ये अमृत का पान करते जाएंगे, उनका ही कल्याण होगा, उनका ही जीवन सफल होगा। मानुषो दुर्लभो देही देही नाम क्षण भंगुरा। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, ये भी क्षण भंगुर है, किसी भी वक्त ये जा सकता है। तत्रापि दुर्लभम मन्नी वैकुंठम प्रिय दर्शन। फिर वैकुंठ में पहुंचना जब कलेश नहीं है, कुंठाएं नहीं है, कृष्णाया क्लिष्टा कारिणी, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको आनंद बरसाते हैं और परमानंद में पूर्ण रहते हैं सभी वैकुंठ के वासी। वो गति जिस व्यक्ति की होगी वो भगवान का प्रेमी होगा। श्रीमद् भागवत गीता में सातवां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को उपदेश किया गया है, आइए तो उन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सप्तम अध्याय बारहवें श्लोक में, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्तः एवेति तान विद्धि न तो अहम तेसु ते मई। हे अर्जुन, ये जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, जो ये तमाम ब्रह्मांड जिसमें बंधे हुए हैं, ये तीनों ही गुण मेरे से ही निकलते हैं। कहिए कि मेरी रचना है, मेरी सृष्टि है। मत्त एवेति तान विद्धि, इन तीनों गुणों को भी मुझ में ही जान, मुझसे अलग नहीं है। जब ये विराट स्वरूप भगवान का, ये ब्रह्मांड स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, तो तीनों गुण भी तो इसी के अंदर है।
लेकिन भगवान तो ये ब्रह्मांड से परे भी है, भगवान एटम में भी है, कण में भी है, पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर स्वरूप से ही तो भगवान नहीं है, या कण स्वरूप से तो भगवान नहीं है, ब्रह्मांड स्वरूप से भी वो है, लेकिन ब्रह्मांड स्वरूप से तो भगवान नहीं है, अनंत ब्रह्मांड भौतिक जगत स्वरूप से भी वही है, लेकिन भौतिक जगत स्वरूप से ही वो नहीं है, अनंत वैकुंठ जगत स्वरूप से भी वो उनका विस्तारा है, लेकिन वो वैकुंठ जगत स्वरूप से ही नहीं, ब्रह्म ज्योति स्वरूप से ही नहीं, वो तो साक्षात पर्सन है, व्यक्ति है, व्यक्त हुए उनका स्वरूप है, सुंदर श्याम सुंदर नाम से उनको पुकारा गया है, परम आकर्षण है कृष्ण नाम से उनको पुकारा गया है, सर ऐश्वर्य प्रधान परम अवस्था में उनके पास है, उनके जैसा कोई सुंदर नहीं है, परम सुंदरता उनके चेहरे पर है, उनके मुखारविंद पर है, परम शक्तिशाली है, परम ज्ञानवान है, कोई भी उनके जैसा, वो अद्वैत है, उनके जैसा द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं है, परम ज्ञानवान है, परम वैराग्यवान है, परम वैभवशाली है, उनके जैसा वैभव किन्हीं के पास नहीं है, परम वैभवशाली है भगवान, वैभवशाली शुद्ध उनके प्रेमी जन भक्त जन उनके चरणों में उनको घेरे रहते हैं सदैव, परम वैभव उनके पास है, परम ख्याति उनकी फैली हुई है अनंत में, अनंत को जिन्होंने विस्तार किया है विस्तृत किया है, और अनंत में जो जिनकी ख्याति फैली है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो परम ख्यातिमान है, कीर्तिमान जिनको कहा है, उनकी कीर्ति का गान होता है, अनंत संतों के मुखों से उनकी कीर्ति का गान होता है, सर ऐश्वर्य प्रधानता में भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उनको आकर्षण कहा है, कृष्ण कहा है, ऑल अट्रैक्टिव, परम आकर्षण, उनके प्रेमियों ने हा कृष्ण कह के पुकारा है, जैसे अल्लाह शब्द है वो भी उन्हीं को है, कोई मुसलमान जब सुंदर बच्चे को देखता है, मैंने देखा है कई मुसलमान लेडीज को, कोई सुंदर बच्चे को देखती है एक दूसरे को तो हाय अल्लाह कितना खूबसूरत है, हाय अल्लाह, अल्लाह नाम ही खूबसूरती का है, अल्लाह नाम ही परम सुंदरता का है, कृष्ण नाम ही परम सुंदरता का है, परम आकर्षण जहां है, ऑल अट्रैक्टिवनेस जहां पर है, कृष्ण कहा है, भगवान कहते हैं कि तीनों गुण जो तीनों गुणों के देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूं और ना ये मेरे अंदर है, भाषा को देखिए भगवान किस तरह से बोल रहे हैं, ये अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शिव तीनों गुणों के देवता, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के देवता, शंकर भगवान तमोगुण के देवता, रजोगुण के ब्रह्मा जी, सतोगुण के विष्णु भगवान, ये तीनों गुण मत्त है एवेति तान विद्धि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्त है एवेति, बोलो ये तीनों गुणों का जो एग्जिस्टेंस है स्थिति है ये भी मेरे अंदर है, मत्त है एवेति तान विद्धि, इनको भी इनकी स्थिति भी मेरे अंदर है,
ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी स्थिति मेरे से है, मेरे कारण से है। मैं नहीं हूं तो ये नहीं हूं। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी मोक्ष देने के अधिकारी नहीं है कोई भी देवता। क्योंकि ये भी भगवान की इल्यूजरी एनर्जी के चक्कर में पड़ जाते हैं, भगवान की माया के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्मा जी भी। अपनी पुत्री सरस्वती से संभोग करने के लिए उद्धृत हो उठे, पीछे दौड़ने लगे। ऋषियों ने धिक्कारा ब्रह्मा जी को कि धिक्कार है, आप सृष्टिकर्ता 84 लाख योनियों के पिता ब्रह्मा, आप ही यदि ऐसा काम करेंगे कि अपनी ही बेटी के पीछे काम उत्तेजना में अंधे हो जाएंगे तो फिर दूसरे संसार वासियों का क्या होगा, धिक्कार है तुम्हें। ऋषियों ने जब फटकार लगाई ब्रह्मा जी को तो उनको बड़ी शर्म आई, बड़ी लज्जा आई, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, भस्म कर दिया, दूसरा शरीर धारण किया, वो भी भस्म कर दिया कथा के पीछे, दूसरी बात के पीछे, तीसरा शरीर धारण किया। वो ब्रह्मा जी अभी आपके ब्रह्मांड में है। शंकर भगवान भी मुक्ति दाता नहीं है, मोक्ष दाता नहीं है, वो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करते हैं। उमा सहित जय जपे पुरारी, पुरारी कहते हैं शंकर भगवान को, उमा के साथ में, पार्वती जी के साथ में, कैलाश पर्वत पर्वत, वो भी भगवान शंकर जो है भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। वो भी कभी कभी माया के साये में भ्रमित हो उठते हैं, उनको भी भगवान की इल्यूजरी एनर्जी माया देवी कभी कभी भ्रमित कर डालती है। श्रीमद् भागवत में कथा बहुत सुंदर है, एक शंकर भगवान ने जहर पिया था, जब देव और दानवों का, देव सुर और असुरों ने, देव दानवों ने मिलकर के क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय पहले तो जहर निकला था, जहर को कौन पिएगा, देवताओं ने भी मना कर दिया तो दैत्यों ने भी मना कर दिया कि हम क्यों पिए, पीना तो तुमको पियो, देवताओं को बोल दिया दैत्यों ने। अरे जहर को कौन पिएगा, चला के जहर को मूर्ख से मूर्ख हो वो भी नहीं पीता है। कभी देखा है कोई मूर्ख आदमी नमक खा रहा हो कि नमक फांक रहा है, यह समुद्र का पानी पी रहा है भर भर के आंज, कोई नहीं खाता, जहर कोई नहीं पीता, संख्या जहर है। तो दैत्य ने भी मना कर दिया कि हम क्यों पिए। 14 रत्नों में सबसे पहले जहर निकला, तब जाके भगवान विष्णु ने आह्वान किया भोलेनाथ का, भोलेनाथ आए और जहर को पिया संसार की रक्षा के लिए, वरना ये जहर संसार में फैला हुआ होता, लोगों का जीना दुर्लभ होता, जहर ही जहर फैल गया होता वनस्पतियों में, आपके अन्न में, चावल में, गेहूं में।
शंकर भगवान नीलकंठ कहलाए, उनके जहर नीचे गले में, तो गला नीला पड़ गया। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश में, हिमालय में बहुत यात्रा होती है वहां की। हरियाणवी लोग बड़ी कावड़ ले लेके सावन के महीने में लाखों की संख्या में नीलकंठ महादेव को स्नान कराने पहुंचते हैं कि जय हो शंकर भोलेनाथ, आपने हमारी रक्षा की। लेकिन अमृत भी निकला 14 रत्नों में, तो देव दानवों में झगड़ा हो गया, सुर और असुरों में झगड़ा हो गया। आखिर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो झगड़े में कट कट के मरेंगे, ऐसा मैं अभी नहीं करना चाहता। भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया था, बहुत सुंदर युवती का, जो हर तरह से सबका मन हर ले, ऐसी सुंदरता जिसके बदन में थी। मोहिनी रूप धारण करके स्वयं विष्णु भगवान आए और अमृत कलश को उठाया कि आप झगड़ा मत करो, मैं आपको सबको अमृत पिलाऊंगी। दैत्यों को बोला बड़ी मीठी मीठी भाषा में, दैत्य लोग बड़े आकर्षित हो गए उस रूप को देख करके, और जैसे कहे मोहिनी ऐसे ही वो। आखिर दैत्यों को पिलाना नहीं था, लेकिन वो मोहिनी रूप जब बनाया था भगवान ने, तब शंकर भगवान भी वहां पर थे, उन्होंने भी उस मोहिनी रूप के दर्शन किए थे और बड़े आकर्षित हो गए थे। शंकर भगवान पार्वती को भूल गए थे पूरी तरह, लेकिन इतने देवता समाज जुटा हुआ है, फिर ये दैत्य भी हैं जो तुरंत लड़ने को तैयार हैं। लोकलाज शंकर भगवान उस दिल के अंदर, हृदय के अंदर जो आकर्षण हुआ वहां तो दबा गए, लेकिन दबी चीज तो कभी बाहर आ जाती है। एक दिन जब कैलाश पर्वत पर थे तो इन्होंने विचार किया कि मुझे विष्णु लोक जाना चाहिए। जाने लगे तो पार्वती जी ने बोला कि मुझे भी ले चलो, मैं भी तो विष्णु भगवान ही दर्शन कर लूंगी। मना तो किया होगा उन्होंने, लेकिन पार्वती जी कहां मानने वाली कि विष्णु जी के दर्शन कभी कभी तो होते हैं, हमको भी साथ ले चलो। नंदी जी पर सवार होके विष्णु लोक में चले गए क्षीर सागर। भगवान विष्णु से बोले कि मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर दो। विष्णु भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ कहो ना क्या अभिलाषा है, हम जरूर पूरी करेंगे। आपकी पूरी नहीं करेंगे तो किसकी पूरी करेंगे? आप रात दिन हमारे भजन करते हो, हम आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। अभिलाषा यह है कि जब दैत्य और दान सुरों का और असुरों का झगड़ा हो रहा था अमृत के पीछे, तब आपने एक मोहिनी रूप धारण किया था, उसने मेरे मन को हर लिया है। इतना सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा, सती का भी इतना सुंदर रूप नहीं था, पार्वती भी फीकी पड़ जाती है उस रूप के आगे। क्या वो रूप मुझे एक बार फिर दर्शन करा दोगे? मैं बहुत लालायित हूं, बहुत मेरी इच्छा है उस रूप को देखने की। बोलो भोलेनाथ, इतनी छोटी बात, ये तो मैं आपको अभी दर्शन करा देता हूं मोहिनी रूप के, अभी मैं मोहिनी बन जाता हूं, यही अभिलाषा है? ये तो कोई बड़ी अभिलाषा नहीं है, अभी लो आप, मैं आपकी अभिलाषा पूरी कर देता हूं। विष्णु भगवान झट से अदृश्य हो गए और मोहिनी, सारा सीन ही अदृश्य हो गया और एक सुंदर बाग का दृश्य प्रकट हो गया, फलों से लदा हुआ बाग, उसमें एक सुंदर युवती, वही मोहिनी, और एक बॉल से गेंद से खेल रही है, उछलती है, स्तन उछलते हैं जब वो भागती है, दौड़ती है गेंद के पीछे, कमर लचकती है,
सब सुंदरता से विद्यमान मोहिनी रूप शंकर भगवान मोहिनी रूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नहीं, प्रसन्न होने के साथ साथ तो उनकी अभिलाषा और आगे बढ़ गई। पार्वती जी ने तो मना किया, कहां जा रहे हो, किसी लड़की के पीछे? बोलो पार्वती तुम यहीं रहो, मैं आता हूं। और दौड़ने लगे लड़की को पकड़ने के लिए, मोहिनी को। मोहिनी इधर उधर भागती है बचने के लिए, कभी किसी पेड़ की आड़ में छुपती है, कभी इधर से उधर भागती है। जिधर जिधर वो जब भागती है, दौड़ती है, छुपती है, शंकर भगवान उसका पीछा करते हैं मोहिनी रूप का पकड़ने के लिए। कामातुर हो चुके, मोहिनी बहुत स्पीड में भागी, तो स्पीड में भागे जा रहे हैं। पार्वती जी आवाज दे रही है, कहां जा रहे हो मुझे छोड़ करके, मैं इधर हूं। नहीं, कौन सुने, काम के सामने कौन सुनता है। आखिर मोहिनी भगवान विष्णु में, वो तो पकड़ में नहीं आने वाले। लेकिन शंकर भगवान का मन पूरी तरह से कामातुर हो चुका और उनका वीर्य स्खलित हुआ। कथा को यहीं समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि शंकर भगवान भी उस भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की माया के सामने भ्रमित होते हैं। भगवान मोक्ष के दाता, मुक्ति के दाता स्वयं विष्णु हैं। विष्णु ही क्षीरोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है। ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही, परम विष्णु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। तो परम विष्णु को ध्याना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कह ही नहीं रहे, नित्य प्रभात में ये भजन गाते थे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज मूढ़ मते, देवकी नंदन गोविंदे, यशुमती नंदन गोविंदे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख मन, तू गोविंद का भजन कर, जो देवकी के पुत्र बनकर आए, वही गोविंद, जो यशोदा के आंगन में रेशम की गेंद को मचलते थे, वही गोविंद, उनका भजन कर। निंबार्काचार्य, रामानुजाचार्य, रामानु, ये सब भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। परम विष्णु को ध्यायते, परम विष्णु को ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी शरण में है। वो मोक्षदाता है, वो मुकुंदा है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टाकारिणी नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणी। वही आपके कलेशों को दूर कर सकते हैं। यही जो जीवन में कलेश है, संसार में कलेश नहीं है, भगवान की सृष्टि में कलेश नहीं है। भगवान की सृष्टि तो बड़ी सुंदर है। कहीं कलेश दिखाई दे रहे हैं आपको? पेड़ पौधों में कितनी प्रसन्नता, प्रफुल्लितता पेड़ पौधों में झलकती है, फलों में, फूलों में झलकती है, तितलियों में, भौरों में झलकती है, मयूरों में, तीतरों में झलकती है, उनके चांद, तारे, सितारे, ये सब पूर्ण है। ओम पूर्ण मदम पूर्णमिदम, ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम, पूर्णश्च पूर्ण मुदच्यते, पूर्णश्च पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, अपूर्ण नहीं। ये संसार पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारी बुद्धि में है, हमारी भावना में है। इस कमी के कारण हम संसार में फंसते हैं, संसार में गिरते हैं, गिरते ही चले जाते हैं।
प्रकृति के खिलाफ होते हैं गिरते चले जाते हैं, भगवान के खिलाफ होते हैं गिरते चले जाते हैं, भगवान को इग्नोर करते हैं गिरते चले जाते हैं, भगवान की शरण में नहीं आना चाहते गिरते चले जाते हैं। तो फिर कौन रक्षा करे? रक्षिष्यति इति विश्वासो, वही रक्षा करेगा जिसके आप शरण में रहोगे। कोई नराधम की शरण में रहोगे, कोई नीच पुरुष की शरण में रहोगे तो नीच पुरुष ही आपकी रक्षा करेगा। कोई बेईमान की शरण में रहोगे तो बेईमान ही आपकी रक्षा करेगा, कर सकता है तो। प्रभु की शरण में रहोगे तो वो रक्षा करेंगे आपकी। जो जाके शरणे बसे वाकू वाकी लाज, जो जिसकी शरण में बसता है उसकी लाज वही रखते हैं, उसकी रक्षा वही करते हैं, उसका पालन पोषण उनको करना पड़ता है। तो आप उस परम विष्णु की शरण में ये जीवन दे दीजिए। बहुत जन्म गए, बहुत जन्म बिताए हैं, बार बार वही चूसे हुए को चूसना क्या अच्छी बात है? जिस गन्ने को चूस के छोई को फेंक दिया उसको उठा के फिर चूस रहे हो, जो आनंद आपने हजारों जन्मों में ले लिए वही विषय भोग